नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरके रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। जेडीयू के थिंक टैंक ने बना लिया चुनाव में सबको मात देने का प्लान। संडे से शुरू मिशन 2000। चुनावी बेतरनी पार करने के लिए नव नाव की तलाश में जुट गए जीतन राम मांझी। एनडीए के नेता भी लगने लगे अच्छे। आरजेडी चीफ लालू यादव का सीएम नीतीश पर बड़ा अटैक, कहा आलीशान बंगले के बाहर कदम कब निकलेगा। लॉकडाउन के साथ अध्यात्म रोग के हिमायती है आचार्य श्री। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में बताया गया है कि मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी और लालू परिवार के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया है। इस तरह के आरोप के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। जेडीयू ने इस तरह की घटिया राजनीति करने को लेकर तेजस्वी यादव की जमकर खिंचाई। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को तो पढ़ाई लिखाई से मतलब रहा नहीं, वे तो नौवीं फेल हैं, लिहाजा उनके पास शब्दों का भंडार तो है नहीं, इसलिए वे अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो को एडिट कर ट्वीट किया गया है। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। कोरोना महामारी के बीच जनता तक पहुँचने के लिए जेडीयू ने मिशन संडे संवाद बनाया। अंदर खाने से जो खबर है उसके मुताबिक 14 जून से जेडीयू के नेता सोशल मीडिया पर जनता से जुड़ने और सरकार की उपलब्धियों को बताने की कवायद शुरू करेंगे। जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में मिशन 2000 पर काम कर रही है, जिसका मतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए 243 विधानसभा सीटों पर 200 पर जीत के लिए काम कर रही है। खबर नालंदा से है। बिहार में वारदात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी बेलगाम होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार अपराधियों ने नालंदा में जेडीयू पूर्व एमएलसी को ही निशाने पर ले लिया। बिहार में शराबबंदी कानून का एक बार फिर मखौल उड़ाया गया है। नालंदा के हिलसा प्रखंड स्थित कुर्मी बीघा गाँव में शनिवार को जेडीयू के पूर्व हीरा बिंद को शराब बनाने और बेचने का विरोध महंगा पड़ा। पूर्व एमएलसी पर बड़े भाई और भतीजेवाद का आरोप। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव से पहले हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगी है। अपनी अपनी गोटी सेट करने का खेल महागठबंधन में खुलकर देखा जा रहा है। भला हो भी क्यों नहीं, जब से राजद ने अपने एजेंडे के मुताबिक मुद्दे वाली राजनीति शुरू कर दी है, तब महागठबंधन में शामिल दलों को लगने लगा है कि चुनाव आते आते कहीं हम हाशिए पर न चले जाए। राजद के द्वारा लगातार भाव न देने की वजह से मांझी खासे परेशान हैं। यही वजह है कि मांझी इस चुनाव में नए नाम की तलाश में जुट गए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना।
सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव के लिए समीकरण सेट करने का काम चालू हो गया है। चुनाव की सुगबुगाहट के बीच राजनीतिक पार्टियों ने पासा फेंकना भी शुरू कर दिया है। बिहार के चुनावी समर में रांची के रिम्स से लालू यादव CM नीतीश पर हमला कर रहे हैं। राजद चीफ लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से CM नीतीश कुमार पर करारा हमला किया है। लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जीवन पर्यंत दूसरों की राजनीतिक बैसाखियों के सहारे टीके और इस गंभीर संकट काल में भी 89 दिन से आलिशान बंगले के बाहर कदम नहीं रखने वाले देश के एकमात्र मुख्यमंत्री को अब बाहर निकल गरीब जनता को संभालना चाहिए। कोरोना संक्रमण के बीच लागू हुए अनलॉक 1 में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार के निर्देशानुसार पटना सिटी में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अभियान चलाया गया, जहां बाजारों में बिना मास्क पहने दुकानदारों को ग्राहकों को चालान काटा गया। वहीं इस अभियान को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर मास्क पहनो अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत अगर कोई बिना मास्क पहने पकड़ा गया तो 200 रुपये का चालान काटा जाएगा। वहीं आज इस अभियान के तहत सिटी मजिस्ट्रेट चांदनी कुमारी के नेतृत्व में पटना सिटी के डंका इमली से लेकर पश्चिम दरवाजा इलाके तक अभियान को चलाया गया, जहां बिना मास्क पहने दुकानदारों और ग्राहकों पर 200 रुपये का चालान काटा गया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट का कहना था कि बिना मास्क पहने छोटे बच्चों और बुजुर्गों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, पर कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ सैनिटाइजर का भी प्रयोग को लेकर अभियान चलाया जाएगा। तो जो सरकार का गाइडलाइन क्या गाइडलाइन था? गाइडलाइन यही है कि सब एक भीड़ नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ मत लगाइए और प्लस मास्क सबको पहनना है, वो जरूरी है। ये जो अभियान चल रहा है अभी आपका, कब तक अभियान चलता रहेगा? ये कांटी थाना क्षेत्र के NH 28 टरमा छपरा काली मंदिर के समीप दो ट्रक आपस में टकरा गई और कांटी पुलिस की गश्ती गाड़ी में भीषण ठोकर मार दी, जिसमें गृह रक्षक जवान राम कुमार सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष की मौत हो गई। मृतक जवान राम कुमार सिंह मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी के निवासी रहने वाले हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कांटी थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानेदार कुंदन कुमार तुरंत कांटी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश किए एवं पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए। वहीं गृह रक्षक जवान राम कुमार सिंह की मौत के बाद कांटी पुलिस के सभी पदाधिकारियों एवं पुलिस के जवानों में गहरी शोक व्याप्त है एवं काफी दुख का माहौल उत्पन्न है। कांटी पुलिस ने दोनों ट्रक को जब्त किया है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम, फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार, अब नहीं है मुश्किल जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पटना से है। अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर सतत मानवीय मूल्यों की वकालत करने वाले स्थापित उपदेशक आचार्य सुदर्शन जी महाराज का मानना है कि आहार का प्रत्येक जीव पर असर होता है, अतः मानव को चाहिए कि वो शाकाहारी भोजन करे। ये भोजन पर नियंत्रण करे। गीता में लिखा है कि अन्नात भवति भूतानि, अन्न से ही भूत की जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जब अन्न से उत्पत्ति होती है जीव की, तो हम ऐसा भोजन करें जो हमको जीवित रखे। आप मांस मदिरा का प्रयोग पूरी तरह से बंद करें, आपत्तिजनक होटल में खाना बंद करें। खास भेंट वार्ता के दौरान कोरोना संक्रमण की दुर्घटना के बारे में पूछे जाने पर आचार्य ने कहा कि इन तो लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन पर्यावरण तथा जीव संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय के लिए यह जरूरी हो गया है कि प्रत्येक वर्ष 15 दिनों का लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन नाम न रखकर दूसरा कोई नाम रखा जाए, सामूहिक अवकाश कर दिया जाए और सारी फैक्ट्री को बंद किया जाए, सारे रास्ते बंद किए जाए, स्कूल कॉलेज बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए 15 दिन के लिए। और इस 15 दिन में मनुष्य को कहिए कि तुम जीने का तरीका सीख लो, तुम स्वस्थ रहो अपनी अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ खेलो, परिवार में अंदर अपने स्वास्थ्य लाभ करो। आप जो भाग दौड़ इतनी हो रही है उस सब पर प्रतिबंध लगा दो। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के दोहन पर आचार्य श्री ने समाज को चेताते हुए कहा कि भारत सनातन धर्मावलंबियों का देश है, इसलिए आत्मबल बढ़ाने के लिए अध्यात्म योग मानव हित में। कि अनलॉक हुआ तो यह जरूर करिए कि अपने अच्छे गुणों को खोले, लेकिन अपनी बुराई को लॉक करके रखिए, उसको मत बाहर आने दीजिए। अपनी अच्छाई को बाहर लाइए, अनलॉक करिए, लेकिन बुराई को लॉक कर दीजिए। कुल मिलाकर आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने मानवीय संवेदना और सरोकार को रेखांकित करते हुए प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्र प्रेम के एक सूत्र में समर्पित रहने का आह्वान किया। कोई इंतजार कर रही है घर पर आपकी, आपकी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, तो उसके लिए आप जीने का प्रयास करिए। तो कैसे जिए? आध्यात्मिक बनिए, परमात्मा की शरण में जाइए, आत्म चिंतन करिए और मंत्र पाठ करिए, गायत्री का पाठ करिए, महामृत्युंजय का पाठ करिए और स्वयं अपने शरीर की रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करिए। मानव भद्रा कर्तवो यंतु विश्वता, हे परमात्मा तू मुझे स्वस्थ और दीर्घायु बना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।